बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी 10th क्लास मुताले पाकिस्तान चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाप नंबर 5 था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यानी कि तरीके पाकिस्तान हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज होगा जी चैप्टर 1 का बिल्कुल लास्ट लेक्चर, उसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 2 इंग्लिश मीडियम की तरफ हम मूव आउट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है जी एक्सरसाइज, तमाम मशक हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस क्योंकि हम कर चुके हैं, लेकिन एक दफा रिव्यू करेंगे कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो उस टॉपिक वाइज आपने मेंशन करनी होंगी। तो आज मेन कंसर्न होगा जी हमारे पास एक्सरसाइज, और उसमें हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी एमसीक्यू, जो कि आपके साथ स्क्रीन पे अवेलेबल भी है। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करनी प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे पास है जी मशकी सवालात, और सबसे पहले जी हर सवाल के जवाब पर दिए गए हैं लो जवाब पर टिक का निशान लगाइए। एमसीक्यू है सबसे पहला है जी 1985 से 1988 के दौरान पाकिस्तान के वजीर आजम रहे मोहम्मद खान जुनेजो। तो जुनेजो साहब जो थे वो हमारे पास पाकिस्तान के वजीर आजम थे 1985 से 88। नंबर 2, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 1998 में। नंबर 3, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 9/11 का वाक्य पेश आया 2001 में, फर्स्ट ऑप्शन। नंबर 4, 1988 के सदारती इंतखाबात में सदर पाकिस्तान बने गुलाम इसहाक खान, ऑप्शन बे। लास्ट है जी आईन 1973 में जिस तरमीम से अरकीन असेंबली के फ्लोर क्रॉसिंग पर पाबंदी लगाई गई वो है 14वीं तरमीम, 14th अमेंडमेंट हमने पढ़ी थी कि 1973 के आईन में उन्होंने बताया था कि अरकीन जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, यानी कि पार्टी नहीं बदल सकते। ये थी 14th अमेंडमेंट 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। ये थे जी हमारे पास एमसीक्यूज। आगे आ जाते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और उसमें सबसे पहले आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी योमे तकबीर से क्या मुराद है। योमे तकबीर जो कि हम लोगों ने पाकिस्तान एज न्यूक्लियर पावर में डिस्कस भी किया था, और ये है जी आप लोगों के पास आपकी पेज नंबर बुक का है जी 22, जो कि आप लोगों ने लास्ट टॉपिक है हमारे पास उस पर यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 1 का आंसर आएगा। यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट कर देना है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने सूबे बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाके चाल के मुकाम पर एटमी धमाके किए। इस तरह पाकिस्तान एटमी ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया। पाकिस्तान आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क है, और इस एटमी धमाकों की याद में हर साल 28 मई को योम तकबीर मनाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है। आगे चलते हैं जी सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास जनरल परवेज मुशर्रफ की नाफिज करदा मुकामी हुकूमतों के निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद तहरीर करें। तो हम लोगों ने मुकामी हुकूमतों का निज़ाम पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास इस आ रहा है जी ये शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें उसके हम लोगों ने बुनियादी मकासद एक्सप्लेन करने हैं। पेज नंबर 17 है आपके बुक का, और आप लोगों ने आंसर मार्क करना है यहाँ से। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इंतजामी असलाहत, टॉपिक जनरल परवेज मुशर्रफ का है। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। बुक का पेज नंबर 16 है, आपके पास भी 16 होगा, उसके बिल्कुल लास्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस निज़ाम के 3 बुनियादी मकासद थे। पहला मकसद क्या है? वसाइल की जिला की सतह पर दस्तियाबी, मुकामी मामलात मुकामी सतह पर हल करना, और नंबर 3 था जी हमारे पास अख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली। और यहाँ तक आपका आ जाएगा सेकेंड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर, और बस ये कुछ छोटा सा आप लोगों ने आंसर लिखना है। ये हो गया जी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं जी थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के शुरू किए गए 5 मंसूबों के नाम लिखें, और जो कि मैंने आप लोगों को ड्यूरिंग द लेक्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत पढ़ी थी, मैंने आप लोगों को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन मार्क भी करवाया था। एक दफा दोबारा चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आपके पास पेज नंबर है जी आपकी बुक का 20, जिसमें आपके पास आपके थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। उसमें आप बताएंगे जी 5 प्रोजेक्ट उन्होंने पूछे, आप कोई से भी 5 बता सकते हो जो आपको इस तरीके से याद हो। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है दियामर बादशाह डैम की तमीरी, एहसास प्रोग्राम, नौजवान हुनरमंद प्रोग्राम, नया हाउसिंग स्कीम प्रोजेक्ट, प्लांट फॉर पाकिस्तान 10 बिलियन प्री प्रोग्राम, एहसास सैलानी लंगर, पनागाहें, डिजिटल पाकिस्तान मिशन समेत कई दीगर मनसूबे शामिल हैं। यहाँ तक आपके पास आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं जी फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन जो है मैं आपके साथ डिक्टेट करूंगी, आपको सिर्फ उसके बुलेट पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस आप खुद मेंशन करेंगे। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास मोटरवे की अहमियत क्या है। इसमें आप बताएंगे कि मोटरवे जो है वो हमारे पास सफर का एक मुनासिब और हिफाजत करने एक हिफाजत के साथ सफर करने वाला एक जरिया है। इसके अलावा ये लोगों को जो है इसकी अहमियत इस तरह से आएगी कि ये लोगों को एक फायदा देता है कि वो बहुत ज्यादा लंबा सफर का जो रास्ता है उसको
कम वक्त में तय कर सकें। तो इस तरह से आप लोगों ने लिखना है। तीसरा पॉइंट आप इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो दो शहरों के दरमियान का जो रास्ता होते हैं, दो मुख्तलिफ बहुत ज्यादा दूर के इलाकों के रास्ते को जो है वो कम कर देता है और हमारे पास कम वक्त में हम लोग एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में, एक शहर से दूसरे शहर में जो है वो हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से रब्ता जोड़ सकते हैं। आपको भी देख सकते हैं कि मोटरवे बनने से हमारे पास बहुत ज्यादा सफर में आसानी हुई। अहम पॉइंट ये आएंगे कि इससे हमारे पास सफर में आसानी होती है, बहुत ज्यादा जो लंबा सफर है वो कम वक्त में तय हो जाता है, इंसान और यानी कि लोग जो है वो हिफाजत के साथ कम वक्त में सफर तय कर सकते हैं और बहुत ज्यादा दूर दराज के इलाकों को जो है ये आपस में कनेक्ट करता है, आपस में रابطہ फ्राहम करता है आसानी तरीके से। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं जी, पाकिस्तान में सदर मुमलिकत के इंतखाब का तरीका बयान करें। और ये है जी आपका पेज नंबर, आपके पास आएगा पेज नंबर 6, जिसमें आपके लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। पेज नंबर 6 के नीचे आप देखेंगे आपके पास मेंशन है आईनी इस्लाहात, उस पे आपके पास पहली तरमीम थी 8वीं तरमीम 1985, उससे आपने लिखना लेना है इस क्वेश्चन को कि किस तरह से सदर को जो है वो इंतखाब किया जाएगा। अब लिखेंगे जी 8वीं यानी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत का इंतखाब, आप आइंदा से वर्ड जो है वो काट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8वीं आईनी तरमीम के तहत सदर मुमलिकत का इंतखाब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और चारों सूबाई असेंबलियों पर मुश्तमिल इंतखाबी अदारा इलेक्टोरल कॉलेज करेगा। तरमीम के बाद सदर मुमलिकत को गैर मामूली इख्तियारात हासिल होंगे और वजीर आजम की हैसियत से सानवी होगी। सेनेट के अरकान की मुदत 6 साल मुकर्रर की गई। तो यहाँ तक आपके पास आपकी एक्सरसाइज का 5th शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि यहाँ तक आंसर आपने मेंशन करना है। इसी के साथ हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। अब हमारे पास नीचे है जी तफसीली जवाबात, हमने हर टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है और टॉपिक वाइज ही लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आप मेरे साथ देखेंगे जी। सबसे पहले है जी जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली ज़रई और सनती इस्लाहात बयान करें। तो यहाँ पे उन्होंने पूछी है जी सिर्फ 2 इस्लाहात, यानी के सनती और दूसरी आपसे उन्होंने पूछी है ज़रई। तो आपने अगर आपके पास एज इट इज यही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ज़रई और सनती इस्लाहात बतानी। अगर आपसे पूछा जाए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में की जाने वाली इस्लाहात बयान करें, उसमें आपने फिर अपनी तमाम बतानी, ज़रई हो गई, सनती हो गई, तलीम की हो गई और हिफाजत सोशल वगैरह जितनी हम लोगों ने पढ़ी थी, आइन की तरमीम पढ़ी, उसके अलावा सेहत से मुतल्लिक जो इस्लाहात थी, वो सारे भी इस्लाहात आप लोगों ने जो है वो मेंशन करनी होगी। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक डिटेल से डिस्कस भी किया था, प्लेलिस्ट जिसका लिंक भी है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, जिसमें मेरे पास पिछले तमाम टॉपिक्स जो है वो उसके आपके पास अवेलेबल होंगे। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में तो आप लोग वो वीडियो वॉच कर सकते हो, मैंने डिटेल के साथ तरीका बताया हुआ है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन किस किस तरह से अटेम्प्ट करना है, क्या क्या एक्स्ट्रा हेडिंग देनी है, क्या क्या मटेरियल छोड़ सकते हो, लिख सकते हो, ये सारी चीजें उसमें ऐड है। तो जिसको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई इशू है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप सिंपली वहां पे क्लिक कर सकते हो, आप लोग प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हो और 10 to 11 लेक्चर्स होंगे उसमें, आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 से देख के आप लोग अपनी कन्फ्यूज को क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपके पास एज इट इज ये क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ 2 इस्लाहात लिखोगे, लेकिन अगर उन्होंने आपसे मेंशन ही किया तो फिर आप तमाम इस्लाहात एक्सप्लेन करोगे। तो ये हो गया जी हमारा फर्स्ट लॉन्ग। सेकंड लॉन्ग था जनरल परवेज मुशर्रफ की सनती। अब यहाँ पे उन्होंने 3 चीजें पूछी, सनती, माशी और माशर्ती इस्लाहात एक्सप्लेन करनी है आपने। यही क्वेश्चन आपको उठा के पेपर में दे दी जाता तो वेरी बहुत अच्छा हो जाता है, आप सिर्फ 3 इस्लाहात को एक्सप्लेन करेंगे, सनती, माशी और माशर्ती। अगर आपसे पूछा जाए जनरल परवेज मुशर्रफ की इस्लाहात बयान करें तो फिर आपने सारी बतानी है, जैसे सनती है, माशी है, ज़रई है, माशर्ती है, आईनी है, सेहत से मुतालिक तमाम इस्लाहात, तलीम से मुतालिक जो आपने पढ़ी है लेक्चर में वो आप लोगों ने बता देनी है। तो ये हो गया जी हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन। पहला जो था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का टॉपिक था, सेकंड होगा जी जनरल परवेज मुशर्रफ का। आप लोगों ने सिर्फ जिसके 2 से 3 दौरे हुकूमत आएंगे उनके सारे बताने हैं, जिसका एक एक था वो हम लोग एक एक पे ही रिलाय करेंगे। थर्ड देख लेते हैं जी, मुतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोनों अदवार का हवाला देते हुए बताएंगे इनका कौन सा दौर आवाम के लिए बेहतर रहा है। और ये जब हमने बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत पढ़ा था आप लोगों को, तभी मैंने बार बार एक चीज मेंशन की थी कि हमें पता है कौन सा दौर हुकूमत बेहतर था, उनका दूसरा दौर हुकूमत बेहतर था, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करती है सिर्फ दूसरा दौर हुकूमत लिख के आ जाती है। तो ये गलती नहीं करनी, पहले दौर हुकूमत लिखना है, दूसरा दौर हुकूमत लिखना है, एंड पे आपने हेडिंग देनी है जी कौन सा दौर हुकूमत बेहतर, वहां पे आप बताएंगे कि ये हुकूमत का इस हुकूमत का दौर हुकूमत बेहतर था, उसकी वजह क्या थी, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। यहाँ पे हम सिर्फ एक रिव्यू करें ताकि कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों की क्लियर हो सके। स्टिल अभी कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसला है तो नीचे लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक कीजिए और सिंपली प्लेलिस्ट ओपन करके आप लोगों ने टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। ये हो गया जी थर्ड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन।
फोर्थ है जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की माशी इसलाहत के साथ बयान करें। अब यहाँ पर सिर्फ उन्होंने एक चीज पूछी है जो कि मैंने आपको कहा था, ये मुझे कहीं से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लगता, ये बिल्कुल एक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप चीज है, तो अगर आपसे यही पेपर में पूछ लिया जाए तो ठीक है, उनकी मर्जी है। और वैसे इस तरह से सिंपली नहीं पूछते, अगर पूछना हो तो वो यही बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत की इसलाहत जो है वो बयान करें। तो आप लोगों से अगर यही पूछा जाएगा तो आप लोगों ने सिर्फ माशी इस्लाहात एक्सप्लेन करनी होगा, उसके असरात बताने होंगे, लेकिन अगर सबरी पूछोगे, मेंशन नहीं किया होगा, स्पेसिफाई नहीं किया होगा, तो फिर आप लोगों ने सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है। लास्ट में जी तो सूर्य पाकिस्तान 1973 के चंद अहम नुकात बयान करें, ये लोग क्वेश्चन भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है, और हेडिंग्स कैसे बनानी ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और इसी के साथ हमारा जो है वो चैप्टर जो है वो मुकम्मल हो गया। तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पांच टॉपिक कौन कौन से आए इंपॉर्टेंट जो कंसीडर भी किए जा सकते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल परवेज मुशरफ, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दस्तूर पाकिस्तान 1973। तो टोटल ये पांच टॉपिक्स हैं जो कि आपसे एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर, और आज हमारा जो है वो बाब नंबर पांच मुकम्मल हो गया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर वन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और अब आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, स्टिल कोई क्वेश्चन आए, कोई ऐसी चीज़ को समझ में नहीं आई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे सिर्फ लास्ट पे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। थैंक यू।